और अब खबर आगरा से, जहां एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी कर पुलिस ने 10 जुआरियों को पकड़ लिया है। इनके पास से नकदी और कई मोबाइल भी बरामद हुए हैं। मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के कलवा कुंज इलाके का है, जहां मंगलवार देर शाम एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। खबर के मुताबिक यहाँ पिछले कई दिनों से जुआ खेलने का काम जारी था। पुलिस ने देर शाम को इस घर पर छापा मारा। पुलिस ने यहाँ से करीब 57,000 रुपए नकद और करीब 10 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हमारे संवाददाता सज्जन सागर का। सज्जन, कितने लंबे समय से यहाँ पर यह पूरा खेल चल रहा था जुए का, कैसे पुलिस को सूचना मिली और कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला थाना जगदीशपुरा के करकुंज इलाके का है और काफी लंबे समय से यहाँ जुआ चल रहा था। यह जुए का अड्डा बन चुका था एक मकान, तो इसमें मुखबिरों की सूचना पर पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी, जिस पर देर रात जो है पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की गई और यहाँ से जो है जो जुए का अड्डा चल रहा था वहाँ पर छापेमारी की और वहाँ लोगों को अरेस्ट करके जो है उसको नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल आप पुलिस जो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।